बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, अब हम इस CPU underscore status को देखने वाले हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न करता है कि हमारा जो CPU है वो कितने बार स्विचिंग कर चुका है, जब से हमारा जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है जब से वो बूट हुआ है, यानी जब से वो ऑन हुआ है तब से वो कितने बार स्विचिंग कर चुका है। तो यहाँ पर लिखा है CTX स्विचिंग। इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले इंटरनेट दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है लैम बेंच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एक्सेस होती है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा लाइन होंगी तो वो ओरिजिनल कर्नल, अगर कम लाइनें होंगी तो उसमें स्विचिंग फास्ट होगी, यानी अगर कम लाइन होंगी तो स्विचिंग फास्ट होगी, अगर ज़्यादा लाइन होंगी तो स्विचिंग कम होगी। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है इंक्लूड वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, का मतलब ये है। फिर हम आ जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे लिखा है ए वॉलेंट्री कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर व्हेन द थ्रेड ब्लॉक्स बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड रिसोर्स दैट इज़ अनअवेलेबल। तो ऐसा होता है कि अगर मैं किसी रिसोर्स के इंतज़ार में हूँ और मैं उस रिसोर्स की डिमांड करता हूँ तो भी एक ये स्विचिंग करना हो गया, लेकिन वो रिसोर्स हमें मिल नहीं पाता, लेकिन मिल नहीं पाए लेकिन हमने स्विचिंग तो की उसके लिए, तब भी ये काउंट होगा हमारे उस प्रोसेस के लिए। सपोज़ कर लें एक वेरिएबल है जो कि एक्स नाम का वेरिएबल है, जो कि दो प्रोग्राम है वो दोनों उस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं। अब CPU क्या करता है, CPU जाके उस एक्स वेरिएबल को एक्सेस करता है, जबकि उस एक्स वेरिएबल को किसी और जो प्रोग्राम है उसने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन CPU तो स्विच हुआ ना उस वेरिएबल के लिए, तो ये एक स्विचिंग हो गई ना। इसके बाद ये अनवॉलंटरी में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कोई काम चल रहा है और उस समय हमें कोई इंटरप्ट आ जाता है तो CPU उस काम को छोड़ के किसी दूसरे काम को करने लगेगा। जैसे हायर प्रायोरिटी का कोई काम आ गया तो उस काम को करने के लिए उस काम को छोड़ के वो चला जाएगा, तो ये एक हायर प्रायोरिटी की वजह से उसको स्विचिंग करना पड़ गई। तो इंटरप्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरप्ट कितने होंगे जब से बूट हुआ है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं और सिस्टम कॉल्स कितने हैं, ये सब इसमें हमें देखना है। तो ये मेरे पास प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और ये जब से मेरा प्रोग्राम जब से मेरा ये कंप्यूटर ऑन हुआ है या लैपटॉप ऑन हुआ है तब से ये मेरा जो प्रोसेसर है वो इतने बार स्विचिंग कर चुका है, इतने बार ये इंटरप्ट को स्विच कर चुका है, इंटरप्ट आ चुके हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट अभी ज़ीरो आए हैं और ये सिस्टम कॉल्स इतने आ चुके हैं। तो लगभग एक इकाई इकाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ ये 26 करोड़ अभी हमारे पास ये स्विचिंग हमारा CPU कर चुका है जब से ये हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो अगली वीडियो है वो CPU underscore frequency के ऊपर है, तो वो देखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।